राम राम किसान भाइयों। तो इस वीडियो में बात करेंगे मौसम के बारे में और केवल राजस्थान राज्य के बारे में। तो राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहेगा अगले 3 दिनों का, 3 दिनों तक, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों राजस्थान में कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। तो निवेदन है आपसे, जहाँ पर मैं बता रहा हूँ नाम जिलों का, वहाँ पर अगर आप रहते हो तो थोड़ा सावधान रहे, अपने बच्चों को खुले में और बाहर ना निकाले और अपने आप को भी खुद बाहर ना निकले अगर काम ना हो तो। दोस्तों आपको बारिश के पानी में या जलभराव में फंस सकते हो और आप अपने आप को जो है मुसीबत में डाल सकते हो। तो बात करेंगे 3 दिनों के मौसम ख्याल में। इससे पहले आप राजस्थान से हो या किसी राज्य से भी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों नई दिल्ली, अलवर, अलीगढ़, आगरा, तो यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हो आप एक्सल कमीशन बना हुआ है उत्तर पूर्वी राजस्थान और दिल्ली और हरियाणा के ऊपर। तो इसी से जो है ये बारिश होगी। तो ये देखेंगे हम अभी दोपहर के 1 बजे का वीडियो बना रहे हैं हम, देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप। तो दोस्तों सीकर, अजमेर, जयपुर में भी देख सकते हो आप बारिश चल रही है इस प्रकार से। सुबह से दोपहर हो चुकी है और अभी तक, और शाम को देखे दोस्तों भीलवाड़ा, टोंक, गंगापुर, जयपुर, अलवर, चूरू और सीकर, इधर भी देख सकते हो आप। इधर श्री गंगानगर में ज़्यादा बारिश नहीं है और बीकानेर के भी दोस्तों उत्तर पूर्वी कुछ गांव में क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है आज शाम के समय रात को। पंद्रह दोस्तों फलौदी, जोधपुर, पाली, पालनपुर, उदयपुर और दोस्तों इधर बाढ़ में जैसलमेर में बारिश की संभावना ना के बराबर है। केवल दोस्तों हो सकता है कुछ नौकल बादल आ जाए, छुटपुट बारिश किसी गाँव इलाके में 1-2 किलोमीटर के एरिया में देखे चला जाए। अब दोस्तों रात के बात करूँ तो दोस्तों ये देखिए रात को दोस्तों सीकर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अलवर, जयपुर, चूरू, तो दोस्तों इन जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ में कुछ स्थानों पर भारी तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। खासकर दोस्तों टोंक, सीकर और जयपुर में भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अब भारी बारिश का मतलब यह होगा दोस्तों कि जयपुर के आसपास जितने भी जिले हैं जयपुर संभाग में, तो दूर पता हूँ दोस्तों, देखिए दौसा, टोंक, चाकसू, जयपुर, मालपुरा, मुरे, फुलेरा, सीकर, श्री माधोपुर, तो यहाँ पे जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश यानी कि 20 mm से लेकर 100 mm तक की बारिश आपको देखने को मिल सकती है रात भर के अंदर। और इसी प्रकार का माहौल आपको कल भी देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अगले यानी कि आज शाम से लेकर कल शाम के बीच में जयपुर संभाग और कोटा संभाग में भारी बारिश संभावना है। तो आप रहते हो इन जिलों में, जयपुर के आसपास के जिलों में क्षेत्रों में, तो आपको 20 mm से 150 mm की बारिश देखने को मिल सकती है। इसलिए यहाँ पर जलभराव, बाढ़ की संभावना बन सकती है। फिर भी दोस्तों यहाँ पर जलभराव से लोग जूझ रहे हैं, बाढ़ से जूझ रहे हैं, और फिर ये दोस्तों अगर बारिश होती है तो काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में जलभराव, बारिश की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे किसान भाई और फसल भी खराब होने की पूरी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। देखिए इस प्रकार से सुबह में भी दोस्तों ऐसा माहौल रहेगा। अब देखिए दोस्तों कल भी ये सर्कुलेशन अलवर, आगरा और गंगापुर के आसपास दिखाई दे रहा है दोस्तों, केवल थोड़ा नीचे आया है। तो जयपुर, टोंक, अजमेर, सीकर और कोटा, शिवपुर तो सही इधर भी, तो ये इस प्रकार से देख सकते हो वहाँ पे चाकसू, दौसा, टोंक, माधोपुर, लाखी, शिवपुर, मालपुरा, तो यहाँ पे भारी बारिश कल भी जारी रहेगी अगले 24 घंटे में, आसाम से लेकर कल शाम के बीच में भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। इससे आपकी किसान भाई फसल खराब होने की संभावना भी तो पूरी पूरी, तो ये देखिए दोस्तों कल तक की भी ऐसी संभावना है इस प्रकार से। तो अगले 24 घंटों के लिए दोस्तों किसान भाइयों आप सावधान रहें।
तो यह था राजस्थान के बारे में मौसम। इसके बारे में दोस्त बारिश में कमी थोड़ी बहुत आ गई, परंतु दोस्त आगे की जानकारी के लिए आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जानकारी मिलती रहेगी समय समय पर। तो यह था छोटा सा वीडियो आपने राजस्थान के बारे में जान लिया दोस्तों। तो बहुत ही जल्द हम मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। जब तक जय हिंद वंदे मातरम।